सो करीब 1 किलोमीटर स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं ग्वालियर फोर्ट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं ग्वालियर फोर्ट और वेदर जैसा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। तो फिर घुमाता हूं मैं आपको ग्वालियर फोर्ट। ये है ग्वालियर सिटी जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ फोर्ट से। तो भाई क्या नज़ारे हैं, मतलब क्या बताऊँ। अब पता नहीं ये सब कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। काफ़ी मज़ेदार व्यू यहाँ से। तो बस अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि यहाँ 2 गेट हैं, एक ये वाला गेट है, ये थोड़ा पास पड़ता है, बट मैंने ये वाला नहीं लिया, मैंने दूसरे वाला लिया जहाँ से कि मुझे करीब 1 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ी। ये देखो दोस्तों, ये है फोर्ट। दोस्तों, अभी मैं एंटर करने लगा हूँ गेट में। नहीं नहीं, गेट पे नहीं, पहले मैं लूँगा टिकट। टिकट यहाँ से मिलेगी, ये है टिकट घर। तो देखते हैं कितने की टिकट है। तो दोस्तों, ये है टिकट जो मुझे मिली है 25 रुपये की, 25 रुपये की टिकट है ये। अब टिकट का काम हो गया, अब चलते हैं अंदर फोर्ट के। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी क्योंकि चढ़ के आया हूँ तो प्यास बहुत लगी है, तो मैंने भैया से पूछा कि यार पानी कहाँ मिलेगा, पानी की बोतल कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरफ कैंटीन है, तो पहले पानी की बोतल ले लेता हूँ, उसके बाद चलूँगा फोर्ट। भाई को तो आप पहचानते ही होंगे। मेरा नाम कालू है और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत और ग्वालियर में बिलोंग इनके लिए स्वागत है हार्दिक। मेरा नाम कालू के नाम से जाना जाता है। भाई ये कालू ना, कालू भाई, इसको मैंने पर्सनली बताऊं, गूगल, फेसबुक और अपना यूट्यूब सारी जगह सर्च मारा। अभी भाई मुझे दिखा, भाई की हालत थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, तो मैंने कहा यार भाई से पूछता हूँ। एग्जैक्टली मैंने जो देखा था वो थोड़ा सा हेल्थी था, भाई अभी कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गया थोड़ा। वैक्सीन के वजह से कुछ थोड़ा डिफेक्टली मॉन्यूमेंट में आधे गाइड उन्हें चालू कर दिए और कुछ मुझको रोक रखा है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाके हो गया सर। और मैंने भाई के बारे एक चीज़ बताऊँ आपको, भाई कौन से क्लास तक पढ़े? 0 क्लास पढ़ा। 0 क्लास पढ़ा है। और लैंग्वेज की बात करो ना भाई, कितनी लैंग्वेज आती है? 5 से 7 लैंग्वेज बोलता हूँ मैं। 5 से 7 लैंग्वेज। और भाई मैंने ग्वालियर का प्लान बनाया था ना, तो मैंने सोचा था यार कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा, फोर्ट जाऊँगा, तो मैं कालू भाई से ज़रूर मिलूँगा। तो फिर इसी खुशी में चलो फिर चलते हैं कालू भाई के साथ। दिखाएगा कालू भाई आज हमें फोर्ट क्या क्या है यहाँ, कैसे कैसे है यहाँ। तो भाई लोगों, आज हमें कालू भाई जो कि जिनको कि मैंने
फेसबुक जैसे बताया आपको, यूट्यूब, बहुत सारी जगह सर्च किया, देखा, तो ये भाई आज हमें फोर्ट घुमाएंगे। तो कल भाई मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिस्ट्री, थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी में हिस्ट्री क्या है ये किला जो है। मैं आपको पूरा डिटेल में दे दूँगा। कितना समय है आपके पास? मेरे पास तो पूरा दिन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आराम से अपन तो चलते हैं, फिर आराम से देखते हैं। कोई जल्दी हमको भी नहीं, और हम ये चाहते हैं कि आप जब इतनी दूर से आए हो सफ़र करके, और ख़ास तौर करके मुझसे मिलने के लिए, तो मैं धीरेन्द्र भाई आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। मैं हार्दिक आपके साथ बिल्कुल छोटा सा एक टूर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये सिक्स सेंचुरी एटी में स्टार्ट हुआ। जब सिक्स सेंचुरी एटी में ग्वालियर फोर्ट हमारा जंगल हुआ करता, इस फोर्ट पर न यदि ना कि कुछ महल थे, ना कोई मंदिर था, पूरे में पहाड़ी इलाका होता। अच्छा, पूरा ही पहाड़ था? पूरा पहाड़ था, माउंटेन एरिया था। यहाँ से 18 कोस दूर पहले एक गांव पड़ता था, जिस गांव का नाम राई गांव था, और वहाँ कुंतलपुर या कुंती का जन्म हुआ, जो अपने महाभारत में थी। वहाँ से राजा सूरसेन नाम के फर्स्ट राजा पाल वंश के राजा हुए, और स्पोर्ट पे हंटिंग करने के लिए आए। हंटिंग करके टायर्ड हो गए, जब उनको स्पोर्ट पर कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिला। यहाँ एक साधु रहा करते थे जिनका नाम है गालब ऋषि। ग्वालियर को हमारे ग्वालियर नहीं जाना जाता, ग्वालिपा नाम था, या के वासियों ने ग्वालियर कर दिया। जब टूरिस्ट आता है, GPS पे डालता है कि वी वॉन्ट टू गो टू आई लाइक फोर्ट वे, तो वो ओल्ड गेट शो करता है, यदि न कि व्हीकल वाला रास्ता शो करता है। एग्जैक्टली, सो डेफिनेटली जब आप GPS पे डालते हैं तो हमारा ओल्डेस्ट गेट शो करेगा, ना कि यदि अपन को व्हीकल वाला रास्ता शो करेगा, जिसको हम उरवाई गेट के नाम से जानते हैं। एक ओल्डेस्ट गेट है जिसको हम ग्वालियर गेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, सूरज से इनको पूरी बॉडी में लेप्रोसी था। जब स्पोर्ट पे हंटिंग करके टायर्ड हुए, स्पोर्ट पर उनको कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिला। यहाँ एक साधु रहे जिनका नाम मैंने आपको बताया, गालब ऋषि। जैसे उनके पास पहुँचे, उन्होंने पानी को परमिशन मांगा, जैसे उन्होंने पानी को टच करा, उनका पूरा क्यूर ठीक हुआ। और उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं, कोई महल या कोई मंदिर? उन्होंने बोला, कुछ नहीं, केवल इस पहाड़ी को तोड़ा जाए, बड़ा तालाब बनवाया जाए। जो राजा सूरज कुंड के नाम से बड़ा तालाब बनवाया, और इस किले का फाउंडेशन 11 किलोमीटर के एरिया में कर। अच्छा, 11 किलोमीटर है? 11 किलोमीटर के एरिया में फाउंडेशन है वॉलीबॉल जस्ट। उसके बाद में इस किले के अंदर काफ़ी डायनेस्टी आई, जैसे राजा मानसिंह तोमर आए, कछवाहा आए, प्रत्यार आए, तोमर आए, लूदी आए, मुगल आए, एंड सिंधियाज आए। दीदी, जितना ही ऊँचा जमीन से है, उतना ही जमीन से नीचे था। ये पहाड़ को, माउंटेन को काट के बिल्ड करा गया, और आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, रायपुर, उदयपुर, कहीं भी कोई भी किला बेस्टमेंट में नहीं है। ये किला 3 बेस्टमेंट में बनाया गया। तो दोस्तों, एक और टिकट घर भूपेंद्र भैया की जरूरत। कितने? एक टिकट की। एक सिंगल टिकट। तो दोस्तों, यहाँ मैंने टिकट ले लिया है, और टिकट का मैं बताऊँ आपको, टिकट का प्राइस तो वैसे 10 रुपये है, बट अगर आप कैमरा लेके आते हैं तो कहते हैं वीडियोग्राफी का 100 रुपये और है, तो कुल मिला के हुआ 110 रुपये। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ ये छत पर, और भाई छत से व्यू भाई, वाओ यार, अमेजिंग अमेजिंग भाई। ये पूरा ग्वालियर यहाँ से भाई देखो कैसे दिख रहा है यार, मतलब एकदम नंबर वन भाई, नंबर वन। अब से मैं बता रहा था आपको यार कि व्यू के बारे, भाई क्या व्यू है यार, मतलब
पूरा ना पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो भी है अपना पूरा ग्वालियर सिटी दिखता भाई यहाँ से यार। मतलब अभी मैं बताऊँ, मन ऐसा कर रहा है ना कि यहाँ पे बैठ के ना बस पूरे ग्वालियर को देखता ही रहूँ, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, जो पसीना आया वो सूख रहा है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो अभी फ़िलहाल तो यही है, बाकी अभी चलते हैं अब नीचे कालू भाई की तरफ, वो कुछ और बता रहा था हमें, देखें क्या बता रहा है। अभी आगे तो देखने को तो बहुत है भाई, बहुत है यहाँ, जैसे आप देख सकते हो ये सारा कुछ दिखाऊंगा अभी आपको मैं। तो चलते हैं फिर कालू भाई के पास। तो दोस्तों अभी अब हम जाएंगे विक्रम महल। तो विक्रम महल कैसा दिखता है बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको एक लुक, बाकी तो अपने कालू भाई है, इसकी हिस्ट्री सारा वो बताएंगे, मैं तो अभी आपको बाहर से ही बता सकता हूँ। तो भाई लोगों, जैसे अपने कालू भाई ने बताया कि ये जो शिवलिंग है ये 500 साल पुराना है। अभी ये कहते हैं कि यहाँ से कोई नंदी चोरी करके ले गया था, तो नंदी जी नए हैं, मतलब नए तो क्या ही होंगे, बट अब बाद में रखे हैं, 500 साल पुराने तो नहीं हैं, बट जो ये आप शिवलिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये है 500 साल पुराना शिवलिंग। वाह यार, तो भाई क्या बताऊँ आपको यार, मतलब जो व्यू है ना, ये देखो आप क्या व्यू है यार, यहाँ से क्या दिखता है, ये सारा ग्वालियर है ना, ओल्डेस्ट ऑफ ग्वालियर है, मोस्ट ऑफ ग्वालियर ओल्डेस्ट, वो देख रहे हैं आप, ट्रेन जा रही है वहाँ से। ओके ठीक ठीक, उसको हम जो माउंटेन एरिया है वो पूरा ब्रिटिश टाइम का ही है, जिसको मोरार कैंट के नाम से जानते हैं, मोरार कैंट है। तो जो सामने गाइज आप देख सकते हो, जो अभी दिख रहा है थोड़ा सा क्या है कि बादल टाइप है इधर, कुछ धुंध है, बट यार जो यहाँ से सिटी का व्यू है ना, क्या बताऊँ आपको, हवा चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी आवाज़ जो है कैसे आ रही होगी, बट यार मतलब मज़ा आ गया यहाँ देख के यार। मतलब ये वाकई, ये अभी तक मैंने जितने भी फोर्ट देखे हैं सब में से सबसे बेस्ट है। तो कालू भाई अब हम कहाँ जाएंगे? अभी हम जा रहे हैं और एक ब्रिटिश फैक्ट्री देखने, जो अंग्रेज शासन काल में बनाई गई है ना, आधे पार्ट को उन्हें चर्च में यूज़ करा और आधे पार्ट में फैक्ट्री बनाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ ना जैसे कि एक से बढ़कर एक, अभी एक जाता ना तो वो बहुत अच्छा है यार, अभी दूसरा जाता तो वो उससे भी अच्छा है, अरे भाई अब जहाँ आया हूँ वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो भाई पता नहीं अभी आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, बट यार जो भी है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों ये है, जैसे कि कालू भाई ने बताया कि ये वाला पहले अंग्रेज शासन में जो होता था ये चर्च होता था, और अगर हम इसकी ये राइट हैंड साइड देखें तो ये होता था फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता था वो कहते हैं कि यार गन पाउडर जो होता ना उसका प्रोडक्शन होता था, तो यार मतलब उन्होंने यहीं से गन पाउडर बनाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, अगर आप मानसिंह पैलेस में आओगे तो आपको पहले यहाँ एंट्री करानी पड़ेगी, जो भैया हमारी एंट्री कराएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपका नाम, फ़ोन नंबर और कहाँ से आए हो यही लिखेंगे। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर की तरफ, अंदर देखता हूँ क्या क्या है अभी।
मैं बाहर निकला हूँ मान मंदिर पैलेस से, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो बस आ गए हैं बाहर, तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। अभी हम ग्वालियर फोर्ट घूम चुके हैं, अभी टाइम आ गया अपने कालू भाई को बाय बाय करने का। कालू भाई से फिर मिलेंगे। तो भाई ये अपना कालू भाई, आपको कैसा लगा और घूमने के बाद आप ये बताएं बस, कैसा लगा ये किला भाई? एक नंबर। चलो दोस्तों फिर मिलता हूँ अभी आगे। सास्त्र बहु नाम है उन मंदिरों के, और मंदिर 11वीं शताब्दी के हैं, राजा महीपाल के द्वारा बनाए गए, जिनकी माँ विष्णु जी की पूजा करती हैं, वाइफ शिव जी की पूजा करती है ना। तो गाइस फिर मिलते हैं आगे मंदिर में, तब तक करते हैं अपने कालू भाई को टाटा बाय बाय। तो भाई ये ले लिया मैंने रिक्शा, जो कि भाई मुझे 3-4 जो सास बहु टेम्पल गुरुद्वारा जो कुछ है सारी जगह घुमाएगा। इसको खोलना नहीं है ठीक। सो गाइस यहाँ वही टिकट चल पड़ी है जो मैंने पीछे ली थी 25, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो बट यही चल पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ अब सास बहु टेम्पल।
भाई लोगों, ये है तेली का मंदिर। हाइट काफ़ी ऊपर है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ गुरुद्वारा दाताबंदी, ये ग्वालियर फोर्ट के सामने। आज कोई कीर्तन है तो इस करके थोड़ा रस है यहाँ। ये गुरुद्वारा साहिब है। सो दोस्तों ये सब चीज़ें घूमने के बाद अब टाइम हो गया है वापस जाने का, तो अब चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।